ये वो खत है, रेजिग्नेशन लेटर भी है जो आपके सामने है, जिसमें कैलाश गहलोत ने मंत्री पद छोड़ दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने खुद के लिए आलिशान घर बनाया, ये कैलाश गहलोत का कहने वाला है। तो यानी कि जो बंगला है अरविंद केजरीवाल का, सीएम हाउस, जिसको लेकर पार्टी को कई आरोप झेलने पड़े थे, खासतौर पर बीजेपी की ओर से, साथ ही कांग्रेस की भी ओर से, अब उसको भी एक बड़ा मुद्दा माना है यहां पर कैलाश गहलोत ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने खुद अपने लिए आलिशान घर बनाया, क्योंकि इसी को लेकर कई बार वो निशाने पर रहे थे। और हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि कैलाश गहलोत, जो कि बहुत ही करीबी माने जाते थे, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एकदम हैरत करने वाला है, हैरान है हर कोई इस तरह से इस्तीफा देने। और जो लिखा गया है, आप अगर उसको पढ़ेंगे, जो ट्वीट किया है खुद कैलाश गहलोत के द्वारा शीश महल का, उसमें जिक्र है और कई तरह की जो बातें हैं उसमें लिखी गई है, तो इससे हर कोई हैरान है, एकदम हैरत में है कि जो बड़ा बड़े करीबी, आप शुरुआत से ही देखिए, जब से सरकार में आए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री वो रहे, उसके बाद से मंत्री, ना सिर्फ अपने कार्यकाल में उनको मंत्री बनाया बल्कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो भी अरविंद केजरीवाल ने दिए। लेकिन आज अचानक से ये खबर आना कि इतना करीबी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कई जो विधायक है या पार्षदों के जाने का की जो बात है वो तो सामने आती थी कि वो खिलाफ बोल रहे हैं या विपक्षी पार्टी बीजेपी पर वो आरोप लगाते थे कि वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीबी मंत्री कैलाश गहलोत का इस तरह से इस्तीफा देना और ये गंभीर आरोप लगाना, ये वाकई बड़े सवाल खड़े करता है और इस पर जवाब देना भी कहीं ना कहीं भारी हो जाएगा आम आदमी पार्टी को, जो ईमानदारी की राजनीति करके या ईमानदारी की राजनीति करने की बात करके आप राजनीति में आए थे, तमाम बातें आपकी तरफ से कही गई थी, और ऐसे दौर में आपके जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीबी नेता और मंत्री कैलाश गहलोत, जिनके पास कई तरह की जिम्मेदारियां थी, और हमने ये भी देखा कि जब आतिशी चूंकि सीएम नहीं बनी थी, उससे पहले जब भी किसी मंत्री के साथ, चाहे हमने इससे पहले आपको याद होगा कि जब शुरुआत में सरकार बनी थी केजरीवाल की, और उस दौरान, अच्छा मैं लेटर का आप जो जिक्र कर रहे हैं शोएब, हम लेटर भी दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण उन्होंने दो चीजें उठाई हैं, जिसमें एक तो है यमुना नदी को लेकर जो वादे किए गए थे पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद उन्होंने शीश महल का भी इस्तेमाल किया है शब्द का। भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें वो हैं कि जो उन्होंने अपने खत में लिखी है, जो खत इस वक्त हम दिखा रहे थे, कैसे अचानक ये हुआ? देखिए ये अचानक नहीं हुआ है, कैलाश गहलोत नाराज थे, पार्टी से, पार्टी भी कैलाश गहलोत से नाराज थी, ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये माना जा रहा था कि एक स्तर पे आके शायद मना लिया जाएगा, लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई। अगर सरकार में रहते हुए उनकी स्थिति की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कैलाश गहलोत के पास में है और उनके डिपार्टमेंट का सारा काम रुका हुआ है, एक तरह से पैसे का आवंटन कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया, ये आरोप है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका। यहां तक कि दिल्ली में 9 बस अड्डे बनाने की बात की जा रही थी, डिपो बनाने की बात की जा रही थी, वो सारा काम रोक दिया गया पैसे की वजह से। इसके साथ साथ महिलाओं को जो सम्मान राशि देने की बात की जा रही थी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट में, वो अभी तक उसकी क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, मिलेगी या नहीं, इस तरह की कोई जानकारी कैलाश गहलोत को नहीं दी जा रही थी। और मैं ये आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी, आपको याद होगा कि 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो चाह रहे थे कि आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएं, लेकिन एलजी के द्वारा केंद्र सरकार से पूछा गया और फिर उसके बाद में कैलाश गहलोत का नाम लिया गया कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। उसके बाद ऐसा माना गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जो एक शख्स आया था वो था कैलाश गहलोत, उनकी फैमिली के अलावा, तो ये माना जा रहा था कि अब शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार में जिस हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स के काम नहीं हो रहे थे, यही तो सबसे शॉकिंग है भास्कर,
जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा यहां पर सबको शॉक इस बात का ही तो लगा है कि जो व्यक्ति इतना करीब अरविंद केजरीवाल का, वो जाए, लेकिन जब जाए तो इस तरह से चीजों को लिखकर जाए। मैं जरा सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लेटर पे। सबसे पहले जो उन्होंने पहले पैरा में जिक्र किया, यमुना नदी का किया है, यमुना जी को साफ करने का वादा किया था जो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे पैरा में आइए, दूसरे पैरा में लिखा है शीश महल। अब बताइए, उनका कहना है कि शीश महल जैसे मुद्दों को जनता के सामने ले जाना, इसे वो मानते हैं कि बेजा इस्तेमाल किसी चीज का होना, यानी पैसे का बेजा इस्तेमाल, बेजा इस तरह के विवादों को खड़ा करना जिसका कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है लोगों से। उसके बाद वो लिखने आते हैं, उसके बाद वो नीचे लिखते हैं कि एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया इस लेटर में वो था कि केंद्र के साथ लगातार जो ये वाद विवाद चलता रहा उसके चलते दिल्ली की जनता को फायदा नहीं हुआ, दिल्ली के जनता का कोई काम ही नहीं हुआ इस चक्कर में, क्योंकि लगातार जो यहां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार रही वो केंद्र के साथ लगातार झगड़ती रही। भास्कर, जो ये तीन मैंने आपको बताई हैं पंक्तियां हर एक पैराग्राफ में जो लिखी हैं, ये ना सिर्फ बहुत ही मूलभूत ऐसी बातें थी जिसका जिक्र हर एक राजनीतिक जानकार उठा रहा था, और उसी बात को यहां पर बहुत साफ गोई से कैलाश गहलोत ने रखी है। और देखिए, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाएं। कैलाश गहलोत को पार्टी में जब लाया गया था तो बड़े ही धूमधाम से उनको शामिल करवाया गया था, उनको मंत्री बनाया गया था, और उसके पीछे एक सोच ये थी कि जो जाट वोट बैंक है और बाहरी दिल्ली का वोट बैंक है उनके जरिए साधा जा सकता है। कैलाश गहलोत आर्थिक रूप से काफी संपन्न है और पार्टी को लगा कि उनका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को मिलने वाला है, लेकिन उनका उपयोग सीमित रहा पार्टी में। उनको गृह मंत्रालय तक दिया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया, लेकिन जैसे ही आतिशी आई उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया गया और आतिशी को दे दिया गया। तो उनको ये पता है कि मजबूरी में उनके साथ जो भी पद दिया गया वो एक तरह की मजबूरी थी, लेकिन उसका फायदा उनको पॉलिटिकली नहीं मिल रहा ऐसा जानकार मानते हैं। उनके क्षेत्र में लोग इससे परेशान हैं उनके कामकाज से, एक तो ये। दूसरा, कैलाश गहलोत को पहले से ही पता है कि अगर पार्टी में मनमुटाव हुआ है और अगर पार्टी में अरविंद केजरीवाल या कोई दूसरे बड़े नेता उनसे नाराज है तो फिर इस पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है। जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कई बार कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मैं यमुना में जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा, लेकिन वो स्थिति नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये चीजें हंट करेंगी उनको चुनाव में, उसके बावजूद भी चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये मान के चलिए 35 से अधिक सिटिंग विधायकों का टिकट इस बार कट रहा है, 35 से 39 के बीच में सिटिंग विधायकों की टिकट कट रही है आम आदमी पार्टी में, और इस बात की भनक जिस किसी को भी लगती है वो भी परेशान है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। आपको याद होगा कि सीलमपुर से कुछ ही दिनों पहले जुबैर को शामिल किया गया जो मतीन अहमद के बेटे हैं, उनको सीलमपुर से टिकट दिया जा रहा है, और अब्दुल रहमान जो कि वहां के विधायक वो नाराज है और पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये अब चुनाव का समय शुरू हो गया है, बहुत कम वक्त है, जिसको जहां पे मौका मिल रहा है वो अपना फायदा देख रहा है। अच्छा भास्कर, क्या ये इनफाइटिंग की शुरुआत मानी जाए? कैलाश गहलोत जिस तरह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरह के मुद्दों को उठा के जा रहे हैं,